आज सुबह दिखी एक सुबह दिखा एक और ड्रोन, 4:45 बजे से लेकर 12 मिनट तक दो बार दिखे ड्रोन। कालूचक और कुंजवनी के पास एयरफोर्स स्टेशन तक दिखे ड्रोन, करीब 800 मीटर तक की उड़ान देखी गई। सुबह 4:40 पर पहला संदिग्ध ड्रोन देखा गया, सुरक्षा सख्त की गई। लगातार चौथे दिन जम्मू में दिखे ड्रोन, रविवार को हुआ था ड्रोन से हमला। सोमवार और मंगलवार को भी दिखे थे ड्रोन, एक बार फिर सेना ने चलाई गोली तो गायब हुए ड्रोन। ड्रोन हमले से निपटने की नीति पर पीएम आवास पर बैठक, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने पर जोर। गृहमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ एनएसी अजीत डोभाल भी रहे मौजूद, सेना को नई तकनीक से लैस करने पर चर्चा। सीमा की सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीडीएस विपिन रावत, कई पोस्ट का किया मुआयना। पंजाब और राजस्थान की सीमा पर भी बढ़ी सतर्कता, पंजाब के डीजीपी ने की बैठक। जम्मू कश्मीर के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा चौकस, सुरक्षा बलों ने की बैठक। मोदी कैबिनेट की आज बैठक, कोरोना के हालात और मंत्रियों के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। सिद्धू को राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात का इंतजार, तनातनी खत्म करने पर होगी बात। पंजाब चुनाव के लिए केजरीवाल का फ्री दाव, 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का वादा। बंगाल बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में ममता पर बरसे जेपी नड्डा, लगाया अराजकता का आरोप। चुनावी हिंसा की जांच के लिए गई मानवाधिकार आयोग टीम पर हमला, जादवपुर की घटना। श्रीनगर में सिख लड़कियों के धर्मांतरण पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई चिंता। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस के हाथ लगी अहम जानकारी, 7 करोड़ों के इस्तेमाल से बदला जाता था मजहब। एटीएस ने की दावा सेंटर के बैंक खातों की जांच, 1 करोड़ से ज्यादा के लेन देन और विदेशी फंडिंग का शक। यूपी में धर्मांतरण पर बोला जूना अखाड़ा स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी का बयान, मदरसों को करें स्कूलों में कन्वर्ट। दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर, बालाजी श्रीवास्तव संभालेंगे कमान, 1 जुलाई से संभालेंगे प्रभार। ट्विटर पर सख्ती, रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का हैंडल ब्लॉक करने पर 2 दिन में जवाब तलब। संसदीय समिति के सामने गूगल और फेसबुक की पेशी, डेटा गोपनीयता नियम मानने की नसीहत। देश का गलत नक्शा दिखाने पर यूपी में ट्विटर के एमडी के खिलाफ एफआईआर, एमपी में भी केस। ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी किया केस, बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर एफआईआर। 19 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र, 13 अगस्त को होगा समापन। गाजियाबाद पिटाई केस में फिलहाल ट्विटर के एमडी को राहत, अदालत में अगली सुनवाई अब 5 जुलाई को। गाजियाबाद पिटाई केस में आरोपी उम्मेद पहलवान पर एनएसए के तहत कार्रवाई, भावनाएं भड़काने का आरोप। लखनऊ में राष्ट्रपति ने रखी अंबेडकर स्मारक की आधारशिला, समाजवादी पार्टी और बीएसपी भड़के। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी आग बबूला, गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने कहा संसद में उठाएंगे मुद्दा। केंद्र तक पहुंची कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्मांतरण की शिकायत, सिखों की गृह राज्य मंत्री से मुलाकात। दिल्ली के विश्वास नगर में सिलेंडर रिपेयर शॉप में धमाका, 4 की मौत। पूरी दुकान में बिखरे जले सिलेंडर और गैस के चूल्हे, बाइक भी जलकर खाक। दिल्ली में मिठाई और फर्नीचर की दुकान में आग, भारी नुकसान की खबर। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग, फर्नीचर और मिठाई की 4 दुकानों में भड़की आग। दिल्ली के मुंडका में खिलौना गोदाम में आग, लाखों का सामान जलकर राख। मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी, अब लोगों के पास 4 वैक्सीन का विकल्प। देश में बढ़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार, 36 करोड़ 18 लाख लोगों को लगे टीके। महाराष्ट्र एमपी के बाद गुजरात में डेल्टा प्लस वेरियंट, जामनगर में महिला संक्रमित। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 101 नए मामले, 4 मरीजों की मौत। दिल्ली मेट्रो में फिर बढ़ने लगी है भीड़, गेट के बाहर लगी लंबी कतार। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, संगम पुल गिरा। रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर धाम में जलभराव की बनी स्थिति, भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बिहार के किशनगंज की अनूठी तस्वीर, नाव फंसी तो दूल्हे ने दुल्हन को कंधे पर उठाया।
बिहार के बेतिया में 15 दिन से बाढ़ की मुसीबत, सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। यूपी के गाजीपुर में बारिश ने किसानों का किया हाल बेहाल, उड़द और मूंग की फसल को भारी नुकसान।